अस्सलाम वालेकुम बच्चे, यहाँ पे देखिए आपने क्वेश्चन पूछा था द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वुड बी पॉजिटिव इफ़ इट इज़। बट यहाँ पे पहले तो एक चीज़ याद रखें, जहाँ पे हमारी बुक के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनी हुई है ना, अगर आप उससे पिछला पैराग्राफ पढ़ें तो उसके अंदर वो लिखता है कि हमने ये जो सीरीज़ है इसको अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और हमारी बुक ना बेसिकली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो है वो नाम दे रही है। ये सिर्फ हमारी बुक लिखती है और IUPAC सिस्टम भी ऐसा ही करता है कि उन्होंने इनको रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम दे दिया है। अदरवाइज़ आप लोग ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही कहलाता है। लेकिन हमारी बुक ने ना सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला हुआ है। अब अगर हम लोग अपनी बुक की बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है वो बेस है, अरेंज की गई है ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर आप लोग देखें तो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कि अबव शी हैं, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, फिर हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और उसके नीचे हमारे पास एलिमेंट्स हैं दैट आर प्रेजेंट बिलो शी। अब जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल है, मैं लिख रहा हूँ, जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव है, शी का ज़ीरो है, और जो नीचे हैं उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के उलट हैं। अब अगर शी से ऊपर वाले एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो ऊपर वाले एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है, शी का यहाँ पर ज़ीरो ही रहेगा। अब बिलो शी जिन एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा तो नीचे वालों का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव के अंदर होगा। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में कि ये पॉजिटिव होगा इफ़ इट इज़, तो बेटा पॉजिटिव तब होता है इफ़ इट इज़ अबव शी, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। होप्स हो कि अब आपका ये कंसेप्ट क्लियर है। स्टिल एनी कन्फ्यूजन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।